मीरा भाईंदर में मैंगरू से जुड़ी खबरें हमने कई बार सुनी है, बल्कि हमारे चैनल पर दिखाई भी है। मीरा भाईंदर में मैंगरू की संख्या बहुत ज्यादा है। साथ ही इन मैंगरू क्षेत्र में इन मैंगरू को नष्ट करके वहां पर इलीगल प्रकल्प खड़े कर उन मैंगरू का नुकसान होते हुए कई बार देखा गया है। अब ऐसी मैंगरू से जुड़ी और एक खबर सामने आई है कि मीरा भाईंदर के खाड़ी इलाके में इन मैंगरू का नुकसान फिर से हो रहा है। मैंगरू क्षेत्र में जहां भाईंदर पश्चिम की खाड़ी के किनारे तिवार के पेड़ है, वहां समुद्री बोर्ड से पर्यावरणीय अनुमति लिए बिना तिवार के पेड़ों का नुकसान कर दिया गया है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर जेटी का काम भी चल रहा है। मैंगरू क्षेत्र पर काम कर रहे ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जिन्होंने इन मैंगरू क्षेत्र में मैंगरू के पेड़ों का नुकसान किया है, उन पर अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसी के लिए राजस्व विभाग द्वारा मैरिटाइम बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ मामला जल्द से जल्द दर्ज किया जाए, ऐसी पर्यावरण प्रेमियों ने मांग की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी एक खबर सामने आई थी वहां, जहां पर मैंगरू की जगह पर निजी डेवलपर ने पे एंड पार्क शुरू किया था जो इलीगल था। हालांकि इस मामले में 5 लोगों पर कार्यवाही की गई है। नए नए प्रकल्पों के दौरान इन मैंगरू का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इन विकास कार्यों के कारण होने वाले मैंगरू के नुकसान के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें MB Live से।